खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2021 के लोगो एवं शुभंकर लॉन्चिंग समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी खेल और युवा मामले के मंत्री आदरणीय अनुराग जी ठाकुर साहब, कर्नाटक सरकार के खेल और युवा मामले के मंत्री आदरणीय डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा जी, उच्च शिक्षा मंत्री जो अभी अभी कार्यक्रम में उपस्थित थे, दूसरा कार्यक्रम होने के कारण अनुमति लेकर गए ऐसे अश्वथ नारायण जी, बेंगलुरु सेंटर के सांसद आदरणीय पीसी मोहन जी, बेंगलुरु साउथ के माननीय सांसद श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी, एमएलसी एवं कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंद राज जी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पंकज मित्तल जी, मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार श्री रवि कुमार जी, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदरणीय श्रीमान संदीप प्रधान जी, अपर मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार डॉक्टर शालिनी रजनीश जी, खेल मंत्रालय भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमान कुणाल जी एवं कर्नाटक सरकार के समस्त अधिकारीगण, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर के चांसलर डॉक्टर चेनराज जी, खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सम्मानित अतिथिगण, खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, तमेल रिगु, युगादि हबादा, मत्तु वर्षा वसदा शुभाशयू, हार्दिक अभिनंदने गणु। मैं भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग जी ठाकुर साहब का इस बेंगलोर शहर में ये आयोजन करने की अनुमति देने के लिए और उनके स्वयं के यहाँ आने पर उनको बधाई देता हूँ और उन्होंने यह अवसर हमको दिया इसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ। मैं सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने कर्नाटक राज्य को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम खेलो इंडिया का हिस्सा है और इस ड्रीम खेलो इंडिया के माध्यम से देश में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आपको यह भी जानकारी है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी के आसीन होने के बाद उनके मार्गदर्शन में और भारत सरकार के खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया और उसका परिणाम आपने और हमने देखा है। टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक जो भी खेल हुए हैं इस स्तर पर, उन सब में अच्छा प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। मैं इसके लिए भी भारत सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से कर्नाटक में भी खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें खेल को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया है और इसी तर्क पर कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में खेलकूद गतिविधियों को नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया है और इसका आशय यह है कि सारे प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने का
जो तेज गति से प्रयास किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के पहले सीजन का आयोजन ओडिशा में हुआ था और भुवनेश्वर में हुआ था। उस वक्त इसमें देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अंडर 25 ग्रुप के 17 तरह के खेलों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार ये 17 खेलों की बजाय 20 खेलों को इसमें अनुमति दी गई है और लगभग 8000 से अधिक प्रतिभागी इस खेलो इंडिया 21 में हिस्सा लेने वाले हैं। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री का संदेश भी आपने और हमने सुना है। हमने प्रयास किया है कि कर्नाटक में भी खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खेलकूद गतिविधियां और प्रतियोगिताएं हो रही है उनमें भारत सरकार के प्रयास के साथ साथ कर्नाटक सरकार के प्रयासों से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन करके हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। यह टूर्नामेंट कर्नाटक सरकार के लिए एक इंटरनेशनल हब ऑफ स्पोर्ट्स बनने की दिशा में एक नई शुरुआत है। हमारा राज्य बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के साथ क्रीड़ा स्थलों का उन्नयन कर रहा है। इन सुधारों से राज्य में नई खेल प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है। कर्नाटक सरकार ने जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं कंटीरवा स्टेडियम में भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही साथ ये जो आयोजन हो रहा है ये जैन डिम्ड यूनिवर्सिटी में भी होगा और उनके चांसलर भी हमारे बीच में हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भारत के खिलाड़ियों का ओलंपिक में और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। इसके लिए आइए अमृत महोत्सव में सारे देश में जो खेलकूद गतिविधियां आयोजित हो रही है कर्नाटक सरकार में भी राज्य के प्रत्येक हिस्से में खेलकूद गतिविधियां आगे बढ़ाएं, खेलें और अच्छा प्रदर्शन करके जीतें। इस प्रकार में के कार्यक्रमों में आप सहभागी होंगे तो निश्चित रूप से हमको अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पूर्व भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री जी ने सारी गतिविधियों की जानकारी आपको दी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के सफल आयोजन के लिए सभी खेल संगठनों एवं कर्नाटक सरकार के अधिकारियों को एवं खिलाड़ी मित्रों को और खेल के प्रति जागरूक सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।